मैं परमेश्वर के दास डॉक्टर बिशप आमोस सिंह ECIC एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल जीवन ज्योति के अध्यक्ष होने के नाते समस्त भारत के प्रभु प्रेमियों से और विश्व के अंदर जितने भी ईसा मसीह अनुयायी हैं उनसे अपील करता हूं, जैसे कि आज संपूर्ण विश्व के अंदर में कोरोना वायरस की विपत्ति महामारी के रूप में अपना हाथ पसारे हुए है, इस तार में वचन के अनुसार जैसे यहेजकेल की किताब में और उसके 22वें अध्याय के 30वें पद में लिखा है कि मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के नियमित नाके में मेरे सामने खड़ा हो, मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु मैंने ऐसा कोई न मिला। ये पद जो है संपूर्ण विश्वासी जगत के लिए है कि जब हम विनाश लीला से होकर के गुजर रहे हैं तो हम सब परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने के लिए खड़े हो जाएं। और जैसा दूसरा इतिहास की किताब में और उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में बाइबल हमें बताती है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इन दो पदों के आधार पर हम अपील करना चाहते हैं, आज शाम रविवार के दिन 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक संपूर्ण ख्रिस्त अनुयायी अपनी अपनी कलीसिया में अपने अपने घर में इकट्ठे होकर इन दोनों पदों के आधार पर मध्यस्थी करने के लिए हम इकट्ठे होंगे पूरे पश्चाताप के साथ और परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने के लिए गुहार लगाएंगे। और ठीक 8 बजे एक साथ समस्त विश्व के लोग परमेश्वर को इस विश्व के ऊपर तरस खाने के लिए न्योता देंगे, जिससे कि परमेश्वर की दया तमाम शोकाकुल परिवारों पर और परमेश्वर और ज़्यादा विपत्ति में पड़ने वाले लोगों की रक्षा करे, इस बात के लिए हमारी अपील होगी। सो मैं परमेश्वर के दास होने के नाते तमाम YouTube में और Facebook में जितने भी प्रभु के भक्त लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हमारी अपील है कि आज 7 बजे रविवार के दिन आज 7 बजे से 7:30 बजे से 8 बजे तक, इससे पहले भी आप बैठ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भारत देश के लिए और विश्व के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें। और साथ ही साथ शार्प 8 बजे एक आवाज़ से विश्व के हर कोने से लोग प्रभु की भक्ति करते हुए उसको अपने बीच में और अपने देश में आने के लिए न्योता दें। विश्वास है इस अपील को आप जरूर स्वीकार करेंगे। थैंक यू।